Hi, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So, friends, in this video, we are going to discuss our chapter number third of class eleventh. The name of the chapter is Discovering Tut. This saga continues. Okay, so King Tut was the uh, Tut was the king of Egypt, and he was very famous king. But he was uh, died very early, and it was it was just a mystery that how he was died because some says. Uh, that uh, it was a murder and some says it was a natural death so let's see what uh, what had happened with him so let's start reading our chapter now and this chapter is written by ar williams <coughs> so we have to find out the meaning of uh, these words written here सो फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किसी चीज को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना उसको पुनः निर्माण करना उस चीज़ का ठीक है एक साइंस के जो हमारा फॉर्म फॉर्म है वो हम फोरेंसिक लैब बोलते हैं जिस तरीके से ठीक है तो फोरेंसिक के लिए किसी चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करना नेक्स्ट है स्क्रेड अक्रॉस और स्क्रेडिड अक्रोस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को पार कर लेना ठीक है क्रॉस कर लेना किसी चीज़ को नेक्स्ट नेक्स्ट है कैस्केट ग्रे कैसकेट ग्रे हमारा आपको लोगों को पता ही है कि कैस्केट ग्रे का मतलब क्या होता है ठीक है सेम ही है रिजरक्शन रिजरक्शन का मतलब होता है कि दोबारा से उस किसी चीज़ को जो जी उठना दोबारा से किसी चीज़ में जो जान आ जाना ठीक है नेक्स्ट है फ्यूनरी ट्रेजर्स फ्यूनडरी ट्रेजर्स का मतलब होता है कि फ्यूनडरी जो हमारी जो आ, क्रिया होती है जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है ठीक है फिनरल करते हैं जब हम किसी का अंतिम संस्कार करते हैं तो उसमें जो ट्रेजर्स होता है ट्रेजर्स यानी जो खजाना होता है उसके साथ में क्योंकि जो इजिप्टियन लोग थे ना ये बेसिकली ये जो चैप्टर है हमें वो इजिप्ट के ट्रेडिशन के बारे में बताएगा कि वो डेड बॉडीज़ के साथ में किस तरीके से जो वो पेश आते थे ठीक है तो ये जो ट्रेजर्स वगैरह है यानी कि वो उसके साथ में बहुत सारी जो संपत्ति है खाना है ठीक है उसके वाइन है उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रखते थे जिसको ट्रेजर बोला गया है circumvented circumvented ठीक है ये भी हमारा है जो इस पैराग्राफ इस चैप्टर में यूज़ हुआ है और circumvented का मतलब होता है कि किसी चीज़ को है जो धोखा दे देना ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर टोमोग्राफी कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है हमारा सिटी स्कैन जिसको हम बोलते हैं ठीक है तो उसकी फुल फॉर्म है हमारी कंप्यूटर टोमोग्राफी नेक्स्ट है एरी डिटेल एरी डिटेल मतलब कि बहुत ज़्यादा भयानक डिटेल बहुत ही ज़्यादा टेरिबल डिटेल जिसको हम बोल सकते हैं ठीक है सो लेट्स रीडिंग स्टार्ट सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आर चैप्टर नाउ ही वॉज जस्ट अर टीनेजर वेन ही डाइड कि वो बहुत ही टीनेजर था छोटी सी उम्र का था जब वो मर, मर गए थे द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज और वो लास्ट हेयर थे लास्ट उत्तराधिकारी थे उस पावरफुल फैमिली के जिसने रूल किया था इजिप्ट पर ठीक है बहुत ज्यादा सेंचुरीज से बहुत शताब्दियों से ही वॉज लेड और रेस्ट ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉर गटन की उसको है जो वो <coughs> लेटा दिया गया था ठीक है क्योंकि जो इजिप्टन लोग होते थे उनका क्या होता था कि वो बहुत अच्छे तरीके से एक जो बॉक्स हम जिसको कॉफिन बोल देते हैं ठीक है थीके? उसके अंदर वो डेड बॉडी थी उसके अंदर उसको लेटा करके जो उसको मतलब उसको लेटा दिया गया था वहाँ पर वो दफ़न कर दिए गए थे और उसके बाद वो लोग है उसको भूल चुके थे सिंस द डिस्कवरी ऑफ द टॉम इन 1922 और जो ये इनका जो टॉम था उसकी डिस्कवरी 1922 में की गई थी तब से ही द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैड हडन टू हिम जो मॉडर्न वर्ल्ड था वो ये स्पेकुलेट कर रहा था कि इनके साथ में आखिरकार हुआ क्या था क्या बात थी किस तरीके से उनकी जो जान चली गई थी विद मर्डर बींग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी जिसमें जो मर्डर था वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी मानी जा रही थी कि शायद इनका मर्डर हुआ है नाउ लिविंग हिज टॉम्प फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट एटी ईयर्स कि जो उनका जो टॉम था ठीक है वो है जो आज से है अगर हम बात करें तो वो आज से है अस्सी साल मतलब बहुत पहले की बात है ये ठीक है अस्सी साल हो चुके थे जब ये डिस्कवर हुआ था तब भी उसके बाद भी ठीक है उसके बाद है टट हैज़ अंडरगोन आ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ कि जो किंग टट था उसको जो सिटी स्कैन उसका कराया जाना था जिसमें न्यूक्ल्यू हमें मिलने वाले थे कुछ नए जो हमें परिणाम है वो मिलने मिलने वाले थे उनके लाइफ के, के बारे में उनके डेथ के बारे में एंड प्रोवाइड प्रीसियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फ्रेंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ़ द सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यूक्ल्यूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ और जो टट का जो जो टट थे वो सिटी स्कैन उनका होने वाला था जिससे हमें जो क्या करते वो हमें देते हैं उनके लाइफ के बारे में उनके डेथ के बारे में एंड प्रोवाइड्स प्रीसियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फॉर और वो क्या करने वाला था कि जो उससे सिटी स्कैन के अंडर क्या होने वाला था कि जो हमें प्रीसेस जो डाटा था डाटा था ठीक है प्रिससड डाटा बहुत ही जो वेलेबल जो डाटा था हमें मिलने वाला था वो ठीक है फोर फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए वो जो बॉयस फ्राओ था बॉयस फ्राओ फ्राओ यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो राजा लोगों के लिए यूज़ किया जाता था उस टाइम पर ठीक है तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला था उसके साथ में

स्काई ऑल डे एंड नाउ ओवरवेलिंग द स्टार्स इन कैसकेट ग्रे कि जो पूरे के पूरे जो क्लाउड्स थे जो बादल थे ठीक है वो क्रॉस वो बिल्कुल ही फैल चुके थे उस पूरे के पूरे जो जो डेजर्ट स्काई था ठीक है उस स्काई के ऊपर उस आसमान के ऊपर वो पूरा दिन फैले रहे हो ठीक है और अब जो स्टार्स हैं वो भी कैसे हो गए थे कैसकेट ग्रे के होना शुरू हो गए थे मतलब कि अब क्या हो गया था कि पूरा दिन भी बादल रहा और उसके बाद भी क्या हो गया था कि वो क्रॉस कर गए थे मतलब जो बादल हैं ठीक है फैल गए थे पूरी तरीके से और अभी भी जो इवनिंग का टाइम है वो इवनिंग हो गई थी ठीक है इट वो सो सिक्स पी एम ऑन ऑन

उसके जो हेड है उसको है जो सिटी स्कैन होना था उसको सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था ये प्रॉब्लम करने के लिए प्रोब मीनस वो जांच पड़ताल करने के लिए कि जो मेडिकल मिस्ट्री है यानी कि उनकी जो लाइफ है उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए समझने के लिए कि जो यंग रूलर है जो कब मर गया था ये तीन हजार तीन सौ साल पहले ही मर चुका था तो आज उसके जो हेड है उसको सिटी स्कैन करने वाले थे वो लोग देखना चाहते थे कि क्या किस तरीके से इनकी जो डेथ है वो किस तरीके से हुई है ऑल आफ्टरनून द यूजल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्राम अराउंड द वर्ल्ड हैज़ डिसाइडेड इन टू द क्रैप्ट कि पूरा का पूरा जो आफ्टरनून है पूरा दिन है जो टूरिस्ट की जो लाइन थी वो लगी रही बहुत दूर दूर से जो लोग हैं उनसे उनको देखने के लिए आए थे रोक कट्टॉम्ब सम्वेंटी सिक्स फीट अंडरग्राउंड टू पे देर रिस्पेक्ट कि वो कहाँ पर आए थे उस रोक कट्टॉम्ब के पास में जो छब्बीस फीट है जो गहरा था ठीक है अंडरग्राउंड में गए हुआ था अपनी अपनी जो है उसको रिस्पेक्ट पे करने के लिए द गेट एट दोलॉसल चैम्बर एंड पियर्ड एट टर्चेड फेस की वो क्या कर रहे थे वो देख रहे थे उन मोरियल्स को जहाँ पर जो जो वॉल्स थे जहाँ पर उसको दफन किया गया था जो चैम्बर था चैम्बर मतलब जो वो रूम बनाया गया था ठीक है वो बॉक्स बनाया गया था उसके जो वॉल्स थे उसकी जो दीवारे थी उसपे कुछ है उनको दफन किया गया था ठीक है जो बरेल का जो चैंबर थी ठीक है मतलब जहाँ उसको दफन किया गया था उसके जो वॉल्स थी ठीक है उसका जो रूम था उसको है जो वो देख रहे थे और उसके जो ग्लाइडेड फेस था टटका उसको देख रहे थे द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड और जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था उस मम्मी का वो क्या था कि उसके जो कॉफिन था ठीक है वो कैसे थी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड उसको है जो बाहर से जो उसको है जो शेप दी गई थी ठीक है उसके शेप पर है जो जो लिड थी वो लगाई गई थी कॉफिन की लिड लगाई गई थी सम विज़िटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन आसपर्स और जो कुछ है जो विजिटर्स है वो गाइड बुक है जो पढ़ रहे थे कुछ एक फुसफुसा रहे थे उसमें अदर्स टूड्स साइलेंटली और कुछ है जो बिल्कुल शांत खड़े हुए थे पर हैब स्पॉन्ड्रिंग टर्स अल्टीमेटली अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स तो शायद है जो वो uh, और सभी लोग उसके बारे में ही सोच रहे थे, उस पर खड़े हुए और वन विद्यर इफ द फ्राउस और वो सोच रहे थे कि यह जो फ्राउ का कर्स होगा हमारे ऊपर फ्राउ का कर्स यानी जो राजा लोगों का अभिशाप होगा

कि जो मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी बहुत बुरी हालत में थी जैसे कि इन्होंने जो कार्टर थे ठीक है उन्होंने उसके साथ में क्या था नाइनटीन ट्वेंटीज़ में ये जही हवास थे उन्होंने ये जो ये बात बोलते हैं वो ठीक है जो सेक्रेटरी जनरल है कहाँ के इजिप्ट के जो सुप्रीम काउंसिल की एंटिकटीज़ है ठीक है एंटी एंटीकिटीज़ हैं ठीक है उनके सुप्रीम है जो काउंसलर कौंस, हैं ये ठीक है जनरल है सेक्रेटरी जनरल है एज हे लिंक ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक जिन्होंने जो पूरे बहुत देर तक है जो उस जो बॉडी है ठीक है उसको सबसे पहली बार उन्होंने देखा था ठीक है कार्टर हो वार्ड कार्टर और वो कौन थे कार्टर हो कार्टर दैट इज दैट इज वो इज़ द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 ट्वेंटी टू डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूचर सर्चिंग कि जिन्होंने बहुत सारी सर्चिंग करने के बाद बहुत सारी फ्यूचर सर्च करने के बाद उनको है वो किंग टट जो है हमारे इनकी जो इनका जो टॉम था उसको डिस्कवर किया था ठीक है तो उन्होंने क्या बोला था कि जो इसकी कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था क्योंकि उनकी जो जो बॉडी थी ठीक है उसको उस कॉफिन से बाहर ही नहीं निकाला जा रहा था क्योंकि वो बिल्कुल ही फैल चुके थी उसमें वो टाइट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा ठीक है तो वो उसको देख करके बोलता है उन्होंने उसकी सर्च की थी इट्स कंटेंट्स थाट इट्स इट्स कॉन्टेस्ट कॉन्टेंट्स तो हजली रेंट रेंट्स एक्ट इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली कम्प्लीट कि उसके जो uh, जो इट्स कंटेंट्स इसका जो कंटेंट्स था यानी कि किस तरीके से उस जो जो डेड बॉडी थी उसको रखा गया था उसके साथ में सामान रखा गया था और वो डेड बॉडी मतलब उस तरीके से वहाँ पर है जो पूरे एक प्रॉपर वे में जैसे उनको मिली थी तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी ये सारी सारी चीज़ें द रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ्राउर्ज लिजेंट कि वो सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था रॉयल कलेक्शन का मतलब कि जो राजाओं की जो चीज़ें थी ठीक है वो वहाँ से उस जो किंग टर्ट था उनकी जो डेड बॉडी थी उनके पास से उनकी कॉपी से वो चीज़ें निकाली गई थी तो ये सच सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था उस टाइम पर ठीक है जिसको हज वो पाया गया था उस जो उस टाइम पर जो फ्राव होते थे उस टाइम पर जो राजा लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा शानदार बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली हुआ करते थे स्टर्निंग आर्टेक्ट इन गोल्ड दे आर अटर्नल ब्रिलियंट मेन्ट टू गारंटी रिजरक्शन कोज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन ये सारी सारी जो, जो चीजें थी ठीक है वो गोल्ड की बनी हुई सारी सारी बहुत सारी चीज़ें थी ठीक है और उसका क्या था देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीट टू गारंटी और उनका जो एटर्नल ब्रिलियंस था जिसका क्या मतलब था कि गारंटी यानी कि किसी चीज़ का जो दोबारा से उजागर कर देना दोबारा से बना देना उन्होंने क्या क्या था कि उस टाइम पर एक सेंसुएशन एक से पैदा कर दी थी जिस टाइम पर इनकी जो बॉडी है उसको डिस्कवर किया गया था और अब तक इसका जो ये सबसे ज्यादा जो अटेंशन है वो इसको मिली है बट टट वॉज ऑल्सो बर्ड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड इन द आफ्टर लाइफ लेकिन जो किंग थे उनको भी जो

कि बहुत है जो मंथ्स के बाद है ठीक है आफ्टर मंथ्स मंथ्स के बाद ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग की कि बहुत अच्छे से जो उनके जो जो उनकी चीज़ें उनको मिली थी ठीक है जो फ्यूनरी ट्रीजर था उसको रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्ट नेफिन्स जो कार्टर थे उसने क्या किया कि जो उसका थ्री जो नेस्टेड जो कॉफिन्स था उसको उसने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की ओपनिंग द फर्स्ट जैसे उसने पहले को खोला ही फाउंड अ श्राउड अडोट विद अ गार्डेंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स कि जैसे उसने पहला खोला तो उसमें क्या था कि उसमें बहुत सारे जो फ्लावर्स वगैरह थे गार्डन्स वगैरह थे उसमें मालाएं वगैरह थी जिसमें विलो के और ऑलिव लीव्स हैं ये सारे फ्लावर्स थे ये सारे पत्ते थे वर्ल्ड सिलरी जिसके बाद जिसके अंदर जो वर्ल्ड सिलरी थी लोटस पेटल्स जिसके अंदर लोटस पेटल्स थे एंड कॉर्न फ्लार्स कॉर्न फ्लावर्स थे उसके अंदर द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल क्योंकि ये जो इस तरीके जो ये फ्लावर हैं वो मार्च और अप्रैल में है जो पैदा होते हैं मार्च और अप्रैल में खिलते हैं और शायद ये एविडेंट उसी चीज से लगाया गया हल्का सा फेडेड सा एविडेंट लगाया गया कि ये शायद उनका जो मार्च और अप्रैल के टाइम पर है जो दफन किया गया होगा यानी इनकी जो डेथ है वो मार्च और अप्रैल के टाइम पर हुई होगी वेन ही फाइनली रिचड द मम्मी और जब वो फाइनली मम्मी के पास में पहुंचते हैं दो ही रन इन टू ट्रेवल यदि उनको बहुत ज्यादा जो ट्रबल का सामना करना पड़ा द रिचुअल द रिचुअल रिस हार्ड एंड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड किफिन और जो उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा फिट हो चुकी थी उस कॉफिन में बहुत ज़्यादा सॉलिड हो चुकी थी ठीक है ठीक ऊपर से लेकर के नीचे तक है जो वो एकदम से फसी हुई थी उसके अंदर नो अमाउंट ऑफ लेजिटिट फोर्स को मूव दम और किसी भी तरीके की कोई भी जो लेजिटमेट फोर्स है उसको मूव नहीं कर सकती थी उसको वहाँ से हिला नहीं सकती थी कार्टर रोड लेडर कार्टर है जो बाद में लिखते हैं वट वॉज टू बी डन कि क्या किया जाना चाहिए द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फोर साउथ इन इजिप्ट और ऐसा माना जाता था कि जो सन की जो बीट है जो सन है वो उसको शायद थोड़ा बहुत है जो उसको कम कर सकता है या जो हमारा जो कॉफिन है उसकी थोड़ी है जो वो खुल जाएगा जैसे ही सन उस पर है जो यानी कि सन की जो लाइट उस पर पड़ेगी तो जैसे कि हैमर है जो जो हथौड़ा है वो किसी भी चीज़ को है जो वो ठीक कर सकता है एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रिजिंस और जो कार्टर है वो उसको ट्राई करता है ताकि वो उसको थोड़ा सा लूज कर सके फॉर सेवरल आवर्स के कुछ एक हजुक घंटों के लिए इट सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेसिंग सनशाइन दैट हेटेड इट इट टू वन फोर्टी नाइन डिग्री अफाइन हाइट ठीक कुछ टाइम के लिए वो क्या करता है उस मम्मी को आउटसाइड है जो ब्लेजिंग बहुत ज़्यादा सनशाइन में रख देता है और कुछ एक टाइम पर है जो उसको हीट मिलती है कितनी वन फोर्टी नाइन डिग्री फाइन पर वो है जो वहाँ पर गर्म होती है नथिंग बस लेकिन कुछ भी नहीं होता है रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कौनसोल दैट द कौनसोल कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीज सर्ज अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम एंड ट्रंक बिफोर इट वाज़ पॉसिबल टू रीज द किंगे बहुत पॉसिबल था वो दोबारा से है जो इस चीज को है जो वो साइंटिफिक तरीके से जो उसको डिटेल्स में करता है उसको बताता है कि किस तरीके से जो मटेरियल था ठीक है वो इतना ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा फंसा हुआ था कि बहुत मुश्किल था कि जो किंग टर्ट थे उनकी जो डेड बॉडी थी उसको उस कॉफी में से निकालना उसको हिलाना बिल्कुल भी ये बिल्कुल ही आ, आसान काम नहीं था ठीक है वो बोलते हैं कि द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन और जो किंग्स के जो बचे हुए रिमेन्स थे यानी कि उन सबको जो वो इकट्ठा करना था उन सबको जो रखना था पास में ठीक है बहुत मुश्किल हो गया था इन डि डिफेंस अपने डिफेंस के लिए कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस कार्टर के पास अब थोड़ी ही बहुत चॉइस थी इफ़ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री अगर वो मम्मी का जो किसी तरीके से कट नहीं करेगा थींग्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमेंटेड जो थीव्स है वो बिल्कुल उनको जरूर है जो धोखा दे सकते हैं यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो चुरा सकते हैं द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गर्ड्स और जो गार्ड्स हैं ठीक है और जो बहुत सारे हैं ठीक है कोई भी है चोर है या कोई गार्ड्स है वो क्या कर सकते हैं कि इसको जो गोल्ड है उसको रिमूव कर सकते, है, उसको सकते हैं उसको चुरा सकते हैं उसके पास से इन टट्स टाइम द रॉयल वर फेबुलसली वेल्दी कि जो किंग टट का जब टाइम था जब वो राज, राज्य राज्य किया करते थे तब उस टाइम पर जो रॉयल्स लोग हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे धनी हुआ करते थे एंड दे थॉट और उनको लगता था और हॉब और वो उम्मीद करते थे दे कुड टेक देयर रिचेज विद दैम कि वो अपनी जो रिचेज़ है जो अपना जो उनके पास धन संपत्ति है वो अपने साथ में लेकर के जाएंगे फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड ताकि जो अपनी जर्नी है जो अपनी यात्रा है वो उसको उसके उस, उसमें जो उस, वो, उनको काम आ सके नेक्स्ट लाइफ में किंग टट वॉज विद ग्लिटर्ड गुड्स और जो जो किंग टट थे उनको भी बहुत ज़्यादा है जो इस ऐसे जो चमचमाती चीज़ों के साथ में उनको है जो ग्लीटर चीज़ों के साथ में उनको हज वो भेजा गया था प्रीसीस कॉलर्स थे उनके पास में इन लेज नेकलेस थे एंड ब्रेसलेट्स थी ठीक है रिंग्स थी एम्स थे एंड सेरेमोनियल अप्रॉन था उनके पास में सैंडल्स शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज शीट्स थे उनके फिंगर्स के लिए उनके टॉयज के लिए उनके पैरों की अंगुलियों के लिए और हाथों की उंगलियों के लिए एंड द नाव आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क और बहुत ही ज्यादा सुंदर आइकॉनिक इनर कॉफिन था उनके पास में और मास्क था ऑल ऑफ प्योर गोल्ड ये सारी सारी जो चीजें थी वो प्योर गोल्ड की बनी हुई थी सेपरेट फ्रॉम हिज अडोनमेंट की जो किंग थे उनको उनके अडोनमेंट से अलग करने के लिए कार्टर कि का उनको है जो, कर लिया उनको भी इकट्ठा कर लिया वंस दे हेड फिनिश्ड और जब उन्होंने एक बार ये काम कर लिया दे रिजम्बर द रिमेन्स ऑन अयर ऑफ सैंड इन अडन बॉक्स विद पेडिंग दैट कंसिल्ड द डैमेज जब उन्होंने उन उन्हों सब पार्ट्स को अलग अलग काट लिया तब उन्होंने क्या किया कि उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया ताकि वो पूरे के पूरे जो पार्ट्स हैं उनके ठीक है वो जो डैमेज है वो और भी ज्यादा है जो डैमेज ना हो उनको कंसील किया जा सके द बेड वेयर टेट वॉज नाउ रेस्ट और जो वो बेड था वहाँ पर है जो वो उसको रख दिया गया था ठीक है जहाँ पर है जो टेट है वो रेस्ट कर रहे थे आर्कियोलॉजी हैज़ हैजेंज सबस्टेंटली इन द इंटरवेनिंग फोकसिंग लेस ऑन ट्रीजर्स एंड मोर ऑन दिल फैसनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ की जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि अपने जो है अब जो आ, उन्होंने अपनी जो इंटरवेनिंग थे ठीक है इन द इंटरवेनिंग डिटेल्स चेंज थी तो उन्होंने क्या कर लिया था हेज़ चेंज्ड सब्स सब्सटैशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेट्स ठीक उन्होंने है जो अपना जो आ, जो उन्होंने का अपना जो उद्देश्य था कि उन्होंने जो किंग डेथ है उसकी फाइंड आउट करने है कि उनकी डेथ किस तरीके से हुई थी क्या हुआ था तो उनको बहुत सारे जो खजाना वगैरह मिल गया था तो उन्होंने उस चीज़ से अपने आप को चेंज करके एकदम से क्या किया बहुत कम तो फोकस किया उस ट्रेजर पर उस खजाने पर बहुत कम फोकस किया और ज़्यादा फोकस किस पर किया कि जो राजा था उसकी जो लाइफ के बारे में ठीक है उसकी जो मिस्ट्री थी डेथ के बारे में उसके बारे में उन्होंने खोज करने की कोशिश की इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इसमें हैं जो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स है वो भी यूज हुए ठीक है वो उन्होंने उसको भी यूज़ किया था इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी मेडिकल टेक्नोलॉजी उसमें शामिल थी इन नाइनटीन सिक्सटी एट मोर देन फोर्टी ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एंड एनाटोमी प्रोफेसर्स एक्सरे द ममी एंड रिविल्ड अ स्टार्लिंग फैक्ट कि उसके बाद क्या हुआ कि आ, कम से कम है जो चौदह सालों के बाद जो कार्टर की डिस्कवरी थी ठीक है उसके करीब चौदह सालों के बाद जो एक एनाटोमी प्रोफेसर थे उन्होंने एक्सरे किया था उस मम्मी का और कुछ एक जो जो स्टार्टलिंग फैक्ट्स थे उसके बारे में रिवील किया उसके बारे में बताए बिनीत दिसिन दैट किस हिज चेस्ट हिज हिज ब्रेस्ट बॉन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग कि उन्होंने जो वो ठीक रिसिन के नीचे जो उनके जो चेस्ट है उसके चेस्ट के ठीक नीचे है जो 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 ब्रेस्ट के बोन्स थे ठीक है उनकी जो रिब्स थी उसमें जो एक रिब मिसिंग थी उनकी एक जो पसली थी वो मिसिंग थी टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी और आज आजकल के टाइम पर जो हम किसी भी तरीके को जो डायग्नोस्टिक करा सकते हैं या जांच पड़ताल कर सकते हैं अपने शरीर के तो वो कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सी स्कैन के, के थ्रू हो सकती है बाई विच हंड्रेड ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन टू पुट टूगेदर लाइक स्लाइसिस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी कि उसी तरीके से जिस तरीके से हम जो किसी ब्रेड ब्रेड को जो त, तीन डायमेंशनल तरीके से जो वो क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत सारी

टाइम ऑफ हिज डेथ और वो कितने साल के थे जब उनके जो जो डेथ हो गई थी किंग टर्ट्स डिमांड्स वॉज अ बिग इवेंट जो किंग टर्ट का जो डिमांड्स था वो वो एक बहुत ही ज़्यादा बिग इवेंट था बहुत बड़ी घटना थी इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन कि रॉयल स्टैंडर्ड में भी वो उनके जो वो ये जो जर्नी थी ये जो डिमांड्स था वो बहुत बड़ी घटना थी और अपनी फैमिली में भी वो क्या थे सबसे लास्ट थे एंड हिज फ्यूनरल वोज द डेथ वोज द डेथ रेटल्स ऑफ अ डायनेस्टी और उनका जैसे ही फ्यूनरल होता है उनका उनका अंतिम संस्कार होता है तो वो उस डायनेस्टी का क्या था अंत था बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर भी उसके जो जब वो पास हुए यानी कि जब उनकी डेथ हुई और उसके बाद क्या हुआ उनकी जो डायनेस्टी में कौन कौन था क्या क्या आया क्या क्या नहीं हुआ ये बहुत ज़्यादा अनकलीर है अमिन होतीब थर्ड टूट फादर और ग्रैंडफादर के जो अमिन होतेब थर्ड थे वो टूट के फादर हो सकते हैं ठीक है या फिर जो ग्रैंड फादर हो सकते हैं वॉज अ पावरफुल फराव हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेट्स एट द हाइट ऑफ द एटीन डायनेस्टीज गोल्डन एज कि उनका जो एज था उनका जो टाइम था ठीक है उन्होंने जो एक बहुत ही पावरफुल वो जो फराव के रूप में माने जाते थे जिन्होंने क्या किया था कि फोर डिकेट्स तक उन्होंने जो ठीक है चार सदियों तक उन्होंने राज किया था वहाँ पर ठीक है और एटीन सेंचुरी में ठीक है जिनके डायनेस्टी को गोल्डन एज कहा जाता था हिज सन अमेन होतेप फोर्थ सक्सिडिड हिम इन सिक्सिड हिम एंड इनिशियटेड वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जो उनका जो बेटा था अमेन हॉतेप अमेन हॉतेप अमेन हॉतेप फोर्थ उनका जो नाम था ठीक है वो सक्सेसफुल हुए थे और उन्होंने जो शुरुआत की थी वो बहुत ही एक एक स्ट्रिंग एक स्ट्रेंजस्ट जो तरीके से uh, हिस्ट्री में उनका जो पीरियड है उनका जो टाइम है वो जाना जाता है एनशेंट इजिप्ट एनशियट इजिप्ट में द न्यू फ्राओ प्रोमोटेड दर्शिप ऑफ द अतें जो न्यू फ्राओ था था, ये जो न्यू राजा था इसने क्या क्या था अतेन की जो पर, जो वर्शिप थी अतेन की जो पूजा थी उसको प्रमोट किया द सन डिस्क जिसको सन डिस्क माना जाता था चेज हिज नेम टू तेन और सर्वेंट ऑफ द अतें उसने अपना नेम है जो अकेना तेन है जो चेंज कर लिया था और जिसका मतलब क्या था कि सर्वेंट ऑफ अतीन की सर भगवान की वो अतेन का सर्वेंट था दास था एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अकेता तेन की उसने अपनी जो सिटी थी रिलीजियस कैपिटल थी उसको भी उसने जो है चेंज कर लिया था और उसका जो थेबेस है उसने जो न्यू सिटी थी वो क्या बन गई थी अखेता तेन बन गई थी नॉन नाव एज अमरना जिसको आज अमरना के नाम से जाना जाता है He फर्दर शोक द कंट्री बाय अटैकिंग अमन कि उसने फर्दर कंट्री का जो शोक कर दिया जब उसने अमन पर अटैक किया आ मेजर गोड जो एक मेजर गोड़ था भगवान थे स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोथिंग हिज टेंपल्स उसके स, जो क्लोथ से उसके जो इमेजेस थे उनको स्मैश करने के बाद में इट मस्ट है हॉरिफिक टाइम ये सचमुच में बहुत ज़्यादा हारिफिक टाइम था सैड रे जॉनसन रे जॉनसन इसके बारे में बताते हैं डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर की जो लग्जर में है जो लग्जर में जो शिकागो का रिसर्च सेंटर है वहाँ पर है जो वो जो रे जॉनसन है वो डायरेक्टर हैं ठीक है वो ये बात बोलते हैं द साइट ऑफ द एंशेंट थेबेस की जो साइट है वो एंशेंट थेबेस की इस तरीके की थी द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वो कमिंग टू एन एंड और वो एक फैमिली जिसने सेंचुरीज तक वहाँ पर रूल किया था वो अब उसका खात्मा होने वाला था एंड देन अखेना तेन वेंट अ लिटिल वैकी और उस टाइम पर जो अखेना थे वो थोड़े से वैकी हो गए थे आफ्टर अकीना तेन से डेथ की अकेना तेन के डेथ के बाद में अस्टीरियस रूलर नेम्डा खारे अपीयर ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली आ ट्रेस कि उसके बाद जो एक मिस्टीरियस जो रूलर आता है जिनका नाम क्या था समेंक कारे वो दिखता है और उनकी है जो वो बिल्कुल ही हल्का सा वो नजर आते हैं और उसके बाद है जो उनकी बहुत जल्दी ही छुट्टी हो जाती है यानी बहुत जल्दी वो निकल जाते हैं एंड देन अ वेरी यंग तुतखा तेन ठीक है जो तेन थे ठीक है उन्होंने जो थ्रोन को संभाला उन्होंने जो राजगद्दी को संभाला था uh, किंग आज वर्ल्ड वाइड में जाना जाता है वो किंग टट के नाम से उनका पूरा नाम था टुत्थेन ठीक है लेकिन अभी जो वो उनको है जो वर्ल्डली जाना जाता है वो किंग टट के नाम से जाना जाता है द बॉय किंग सुन चेंज हिज नेम्स टू तुतखाना मन लिविंग इमेज ऑफ अमन कि उन्होंने क्या कहता कि अपना नाम का जो चेंज कर लिया था तुतखाना मन आ, कर लिया था उन्होंने अपना नाम ठीक है तुतखाना तेन के आ, उस, साथ में सीधा ही उन्होंने चेंज कर लिया जिसका मतलब क्या था लिविंग इमेज ऑफ अमन यानी कि वो जीते जागते अमन की इमेज है एंड ओवरसा रिस्टोरेश रेस्टोरेश ऑफ़ द ओल्ड वेज ही रिजाइन फॉर अबाउट नाइन ईयर्स एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेड कि उन्होंने रेंज किया था सॉरी यहाँ पर यह रेंट है कि वो एक जीते जागते यानी कि अपने आप को हज़ो बहुत अच्छा मानते थे ठीक है और उन्होंने अपने जो रेस्टोरेशन की थी अपने उन ओल्ड तरीके से अपने ओल्ड जो उनका तरीका था अपनाने का और उन्होंने करीब करीब हज़ो नाइन ईयर तक उन्होंने जो रेंज किया उन्होंने राज्य किया और उसके बाद में उनकी जो डेथ हो गई थी वो बहुत ही ज़्यादा अन अनएक्सपेक्टेड थी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था

नो वन नोज कोई नहीं जानता द इजिप्टन ममी प्रोजेक्ट जो इजिप्टन ममी का प्रोजेक्ट है विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट टू थाउजेंड थ्री जो एक इन्वेंट्री के तरीके तौर पर जो एक इन्वेंशन के तौर पर जो शुरू हुआ था कब 2003 के बिल्कुल लास्ट में हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड सो फार एज इज स्टिल कि उन्होंने रिकॉर्ड किया था 600 के आसपास तो से दूर से दिख रहे हैं और अभी भी उसके जो काउंटिंग है वो चल रही थी द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंट्स कि जो नेक्स्ट फेज है वो क्या था कि स्कैन करना था उन मम्मीज का ठीक है सिटी uh, स्कैन करना था जो मशीन थी वो डोनेट की गई थी नेशनल जियोग्राफिक ज्योग्राफिक सोसाइटी सीमेंट्स के द्वारा इट्स मैनुफैक्चर किंग टट और इसका जो ये कौन था ये इसका मैनुफैक्चर था किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड और जो किंग टट थे उसके जो फर्स्ट मम्मी थी वो पहली मम्मी थी जिसको जो क्या किया जाना था सिटी स्कैन किया जाना था इन डेथ एज इन लाइफ वैसे ही डेथ में जैसे कि उनकी लाइफ थी मूइंग uh, मूइंग रीजली अड ऑफ हिज कंट्री मैन की ये बिल्कुल है जो उनके जो uh, आगे है जो जो उनके कंट्री मैन के लिए जो आगे मूव करना था ले जाना था आ सी मशीन आ सी टी मशीन स्कैंड मम्मी हैड टू टॉय जो सिटी मशीन है वो किसी भी मम्मी को है जो उसके सिर से लेकर के पैर तक तो उसको स्कैन करती है क्रिएटिंग वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रोस सेक्शन वो क्या करते हैं क्रोस सेक्शन में है जो कम से कम है जो सतारह सौ के आसपास है जो एक्सरे इमेजेस है वो बनाती है टट्स हैड की जो टट का हेड है स्कैंड जीरो पॉइंट सिक्स टू मिली मीटर टू रजिस्टर इट्स इन इंट्रेटेड स्ट्रक्चर की जो किंग ट का जो हैड था उसको है, जो स्कैंड uh, किया गया था जीरो पॉइंट सिक्स टू स्लाइसेस पे ताकि जो वो इंटीग्रेट स्ट्रक्चर है उसको है जो रजिस्टर कर सके टेक्स ऑन एरे डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज और जो है जो जो उस जो भयव्य विस्तार है जो भयानक विस्तार है जो भयानक चीज़ें हैं उसकी है जो उसको रख सकें उसका है जो रिजल्टिंग जो इमेज है उसको देख सकें

गोडर्स को ठीक है गोडेसिस को जिसने अभी तक है जो उनके श्राइन को उनका जो बरियल था उसको इतने लंबे टाइम तक है जो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था द नाइट ऑफ द स्कैन और उस दिन पर जब उनको स्कैन किया जाना था उस नाइट पर वर्कमैन कैरी डट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स कि उसके बॉक्स में डट को उन्होंने कैरी किया उठाया वहाँ से लाइक लाइक पॉल बियर दे क्लाइंब्ड आर रैम्प एंड आर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन टू द स्वेरलिंग सैंड आउटसाइड कि उन्होंने क्या किया एक पॉल बियर के तरीके से तरह से वो क्लाइंब कर गए ठीक है चढ़े वो उस रैम्प के ऊपर में एंड फ्लाइट स्टेयर्स इंटू द स्वेरलिंग सैंड आउटसाइड और उन्होंने फ़्लाइट किया कहाँ पर जो स्वेयरलिंग सैंड आउटसाइड पर बिल्कुल बाहर आकर गया दैन रोज ऑन आइड्रो हाइड्रोलिक लिफ्ट इन टू द ट्रेलर एंड देन हेड द स्कैनर उन्होंने उसके बाद क्या किया उन्होंने रोज किया उठाया एक हाइड्रोलिक लिफ्ट uh, को ठीक है उसके बाद है जो इंटू द ट्रेलर ट्रेलर के लिए दैट हैड द स्कैनर जिसने स्कैनर को है जो वो लिया हुआ था पकड़ा हुआ था ट्वेंटी मिनट लेटर टू मैन एमर्स दो मिनट के ट्वेंटी uh, मिनट्स के बाद क्या होता है दो मैन एमर्स होते हैं ठीक है इकट्ठे होते हैं स्प्रिंटिंग फॉर एन ऑफिस नियर बी जो है जो बिल्कुल ही उनके ऑफिस के पास में ही होते हैं एंड रिटर्न विद अ प्यर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस और जो व्हाइट प्लास्टिक फैंस के साथ में जो रिटर्न करते हैं वापस आते हैं द मिलियन डॉलर स्कैंड स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन कि मिलियन ऑफ जो डॉलर्स हैं ठीक है वो डॉलर स्कैनर हैड क्विट उन्होंने जो क्विट कर दिया था छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन क्योंकि जो सैंड थे वो कूलर फैन में थे ठीक है उनकी जो uh, जो फ़ैन था वो बिल्कुल ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा कूलर था कर्स ऑफ द फ्राउस ये कर्स है फ्राउ का राजाओं का कर्स है जोक अ गार्ड नाव एक गार्डन है जो uh, ऐसा ही उनको क्या किया जॉक किया ठीक है मिलियन डॉलर स्कैनर्स हैड क्विट यानी कि वो मिलियस जो डॉलर्स हैं उनके जो छूट गए वहां पर ठीक है उसकी वजह से उसके बाद है इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्क वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर उसके बाद क्या हुआ कि जो सब्सिट्यूट फैंड थे उन्होंने बहुत अच्छे से जो काम किया बहुत अच्छे से वर्क किया जब ये प्रोसेजर है जो खत्म हुआ आफ्टर चेकिंग चेकिंग दैट नो डाटा उसके बाद चेक करने के बाद कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है द टेक्नीन टर्न टू द वर्कमैन जो टेक्नीशियन जो uh, टेक्नीशियंस थे उन्होंने जो किंग टी उनकी बॉडी को वापस वर्कमैन को दे दिया हु कैरिड हम बैक टू हिज टॉम जिन्होंने उनको ले जाकर उनके टॉम में वापस ले गए लेस देन थ्री आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमोव फ्रॉम हिज कॉफिन की तीन घंटों के बाद जब उनको कोफ़िन से जो रिमूव किया गया था द फ्राउ अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रिस्ट हैड हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो और uh, दोबारा से फिर जो क्या था जो किंग टर्ट थे वो अपने उस कब्र में अपने उस बरेल में वापस से जो रेस्ट करने लग गए जहाँ पर उनका जो पुजारी ने उनको दफन किया था बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन अप अपनिंग इमेज ऑफ टट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन कि जब वो वापस है जो वहाँ पर ट्रेलर के लिए टेक्नीशियन था वो वापस आता है तब वो एक बहुत ही एस्टोनिंग इमेज जो है उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है जो वो दिखाता है अ ग्रेड टुक शेप फ्रॉम ए स्केटिंग ऑफ पिक्सल्स की जो जो ग्रे हेड है उसने शेप ली हुई है जो स्कैटिंग पिक्सल्स है उनको दिखाता है वो बड़े करता है वो एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड एंड इट इन एवरी डायरेक्शन क्योंकि जो टेक्नीशियन होता है उसको स्पन करता है उसको टिल्ट करता है हर एक डायरेक्शन में नेक वर्ट नेक वर्टेब्रे अपियर एज क्लियरली एज इन एज इन एन एनाटोमी क्लास की जो नेक वर्ड बेयर है उसके वो बहुत ही क्लियरली दिख रहे थे ठीक है जैसे कि कोई एनाटोमी की जो क्लास है वो दिखती है अदर इमेज रिवर्ल्ड अ हैंड और जो दूसरी इमेज थी उसमें हैंड दिखाया गया था सेवरल व्यूज ऑफ अ रिब केज कुछ एक में जो उनके जो रिब केज थे वो दिखाई गई थी एंड एंडर ट्रांसक्शन ऑफ द स्कल कुछ एक में है जो उनकी जो स्कल थी जो खोपड़ी थी वो दिखाई गई थी बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ लेकिन अब जो प्रेशर था वो जा चुका था सिटिंग बैक इन हिज चेयर अपने चेयर पर वापस बैठते हुए जही हवा से स्माइल जही हवा से जो स्माइल करते हैं विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गोन सीरियसली रॉन्ग और वो इस चीज़ को जो विजिबली बिलीव करते हैं कि कुछ भी जो वो रॉन्ग नहीं हुआ आई डिड नॉट स्लिप लास्ट नाइट की मैं लास्ट नाइट बिल्कुल भी नहीं सो पाया फॉर नोट अस्क एक सेकंड के लिए भी नहीं ही सैड वो बोलते हैं आई वो दो so वर्ड में इतना ज्यादा चिंतित था बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लिप लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे शायद है जो जाना होगा और मुझे जो सो जाना होगा बाई द टाइम विल लेफ्ट द ट्रेलर उसी टाइम पर हमने जो ट्रेलर को है जो लेफ्ट कर दिया छोड़ दिया डिसेंडिंग मेटल्स स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड द विंड और उसी टाइम पर क्या हुआ कि जो मेटल्स थे वो कहाँ पर थे मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड उसी सैंडी ग्राउंड में है जो वो स्टेयर कर

Constellations that the ancient Egyptians knew as the soul of Orises, Os Osiris. कॉन्स्टलेशन थे कॉन्टलेशन यानी कि तारों का गुच्छा था तारों का समूह था जिसको एंशंट इजिप्टन है जो जानते हैं जैसे कि सोल ऑफ ओरिसस की ओसिरिस की सोल है द गॉड ऑफ आफ द आफ्टर लाइफ के जो भगवान है और ओसिरिस कौन था कि जो भगवान है डेथ के बाद में जो भगवान होता है वॉचिंग ओवर द बॉय किंग और वो है जो वॉचिंग ओवर द बॉय किंग उस जो बॉय राजा था जो फराव था जो किंग टट था उसके जो उसको देख रहे थे वो सो इट वॉज आवर चैप्टर होप सो इट इज क्लियर टू यू इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द वीडियो देन यू कैन मैसेज Uh, then you can comment below the video if you like the video then please do like and share it if you don't like then you can dislike the video but please don't forget to subscribe the channel thank you very much